आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। नवविवाहिता को मिट्टी तेल डालकर जिंदा जलाने वाले आरोपी पति एवं सास गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मृतक का राधाबाई यादव ग्राम हाथीमोड़ जिला कोरबा की शादी अप्रैल 2015 में ग्राम ढिमानी के धनेश्वर यादव के साथ हुआ था, जिसे राधाबाई यादव के पति धनेश्वर यादव एवं उसकी सास मंगलीबाई यादव दोनों मिलकर दहेज के लिए आए दिन प्रताड़ित करते रहते थे। दिनांक 1 सितंबर 2021 को धनेश्वर यादव एवं मंगलीबाई यादव के द्वारा राधाबाई यादव को अपने घर से पैसे लाने बोलने एवं राधाबाई यादव द्वारा पैसा लाने से मना करने पर धनेश्वर यादव एवं मंगली यादव द्वारा राधाबाई यादव के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया एवं कमरे में बंद कर दिया, जिससे जल गई, जिसका इलाज दौरान डीकेएस हॉस्पिटल रायपुर में दिनांक 6 सितंबर 2021 को मृत्यु हो गया। मृत्यु पूर्व कार्यपालिक दंडाधिकारी रायपुर द्वारा मृतिका का मरणासन कथन दिया गया था। कथन में मृतिका द्वारा उसे उसके पति धनेश्वर यादव एवं सास मंगलीबाई यादव द्वारा अपने ससुराल ढिमानी में दहेज के लिए मिट्टी तेल डालकर आग लगा देना बताई है। गोल बाजार रायपुर में मृतिका राधाबाई यादव पति धनेश्वर यादव उम्र 31 वर्ष साकिन ढिमानी की बिना नंबरी मर्ग डायरी प्राप्त होने पर नंबरी कर मर्ग जांच पर आरोपी पति धनेश्वर यादव एवं सास मंगलीबाई यादव के विरुद्ध थाना मालखुर्दा में धारा 302 304 बी 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को मद्देनजर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला जांजगीर चांपा अभिषेक पल्लव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देने पर आज दिनांक 16 जनवरी 2022 को उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद तस्लीम आरिफ खान के नेतृत्व में उप निरीक्षक नवीन पटेल, चौकी प्रभारी अड़भार, प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र कंवर, प्रधान आरक्षक दिलीप खलको, आरक्षक दिलेश्वर साहू, आरक्षक राजेश धीरे, आरक्षक विनोद कटकवार, आरक्षक उमेश सिदार, आरक्षक मोती गोपाल, महिला आरक्षक प्रतिभा मीरी के साथ आरोपी पति धनेश्वर यादव एवं सास मंगलीबाई यादव के घर में दबिश देकर आरोपियों धनेश्वर यादव पिता ननकी दाऊ यादव उम्र 28 वर्ष एवं मंगलीबाई यादव पति ननकी दाऊ यादव उम्र 63 वर्ष के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकार करने एवं उनके विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 16 जनवरी 2022 को गिरफ्तार किया एवं जुडिशनल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक मोहम्मद तस्लीम आरिफ खान, निरीक्षक विनोद मंडावी, उप निरीक्षक नवीन पटेल, चौकी प्रभारी अड़भार, प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र कंवर, प्रधान आरक्षक दिलीप खलको, आरक्षक दिलेश्वर साहू, आरक्षक राजेश धीरे, आरक्षक विनोद कटकवार, आरक्षक उमेश सिदार, आरक्षक मोती गोपाल, महिला आरक्षक प्रतिभा मीरी का सराहनीय योगदान रहा है। ये अड़भार चौकी का मामला है। इसमें मृतिका राधाबाई को ढिमानी के उसके पति और सास द्वारा दहेज की बात को लेकर उसके ऊपर मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिसका इलाज रायपुर डीके अस्पताल में चल रहा था। वहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वहां मरणासन कथन में उसने अपने सास और पति के खिलाफ कथन दी है और वो उसका बयान और मर्ग डायरी अड़भार चौकी आने के बाद दोनों आरोपी उसके पति और सास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर 302 304 बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जो है विवेचना में लिया गया और इन दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।